दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है और उसको पहली सैलरी मिलती है तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा, पैसे का ढंग से इस्तेमाल करना, सेव करना, ताकि जब तुम 60 साल के हो जाओ तो रिटायरमेंट के टाइम पर तुम्हारे पास पैसे रहें। अब एक बेचारा इंसान जिसने अभी भी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, सालों से उसे सैलरी का इंतजार था ताकि वो नया फोन ले सके, नई बाइक ले सके, उसके भी बैंक अकाउंट में पैसे हों, घर वालों से पैसा मांगने की नौबत ना आए, ये सारे सपने लिए हुए जस्ट अभी अभी जॉब करना स्टार्ट करता है और उस पर पूरी दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि पैसा कैसे सेव करें, इन्वेस्ट करें, रिटायरमेंट कब लें। और आजकल तो यूट्यूब पर उसे हर जगह एक नई टर्म सुनाई देती है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो हर जगह सुनता रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें, या फिर ये फलाना इंसान 25 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गया। और ये सुनते सुनते वो परेशान हो जाता है कि करे तो आखिर करे क्या, रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करें या फिर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। और आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम किस बला का नाम है और इसे अचीव करना है तो कैसे करें, और ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब वो अपने बटुए की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो तो केवल महीने का 20-30 हज़ार रुपए कमा रहा है, कहां से फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो डोंट वरी, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज आपकी एज चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो या फिर आपने जस्ट अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया हो या फिर आप सालों से पैसा कमा रहे हो बट कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियली फ्री होना है, इसका कुछ अता पता नहीं है, वेल आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिसमें आप अपनी सैलरी का केवल 50% सेव करके और कैसे अपने महीने का केवल 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की एज तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब मैं इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ जिन्हें केवल 10 से 12 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। दोस्तों, जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, सबसे पहली चीज जो हर कोई करता है कि चलो अपनी सैलरी आई है, कुछ खरीद लेते हैं, नए आईफोन, नया लैपटॉप, नई बाइक, ये सब आपको खरीदने का मन करता है। बट आप हमेशा अपनी सैलरी, अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदूं या फिर नहीं, या फिर पैसा सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। वेल, जब भी आप कोई चीज खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे मत खरीदो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, एक आईफोन 1-1.5 लाख रुपए का आता है, मैं एक खरीद लूं वही बड़ी बात है, 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है। वेल, अगर ऐसा है, आप उस फोन को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो वो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपनी लाइफस्टाइल को एक बार बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फोन यूज करते थे और उसकी प्राइस क्या होती होगी, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 से ऊपर का फोन शायद ही खरीदा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2022 में अगर आप एक नया फोन खरीदने जा रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 95% लोग आज के टाइम पर 10,000 से ऊपर का ही फोन खरीदेंगे, शायद ही आज के टाइम पर कोई ऐसा होगा जो 10,000 से नीचे का फोन खरीदेगा। तो पॉइंट ये है कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना, ऊपर ले जाना आसान है बट उसे वापस नीचे लाना बहुत मुश्किल है। तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो भी चीज खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो स्किप इट। ऐसी चीजें खरीदो जो आपके बजट में हो और जिसे आप 2 बार खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती है तो मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे स्टॉक्स में पैसा डाल देना चाहिए, म्यूचुअल फंड ले लेना चाहिए या फिर उन पैसों को FD करा देनी चाहिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। उसके लिए आपको आजकल काफी वीडियोस मिल जाएंगे या बुक्स में आप पढ़ सकते हो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड में या निफ्टी 50 में पैसा डालते हो तो वह आपको ऑन एन एवरेज 13% तक का रिटर्न इजिली दे सकता है और वहां आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अब इस 13% के रिटर्न के साथ हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि लोग सोचते हैं कि क्या मैं पैसा लोन पर या उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं और जब उससे प्रॉफिट हो जाएगा तो अपना लोन चुका दूंगा। वेल, इसका आंसर है नहीं। आपको कभी भी पैसा उधार
उधार लेकर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? वेल, स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाओगे उसका प्राइस 2-3 सालों तक नहीं बढ़ता है या कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। और हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है क्योंकि हमें रिवॉर्ड जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज हम पैसा लगाएं और अगले 1-2 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और फिर हमें स्ट्रेस होने लगा कि हमें तो पैसे लोन पर ले रखे हैं, उसकी किस्तें कैसे भरेंगे, और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और लॉस में अपना पैसा निकाल लेंगे। तो वेल, आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे तभी लगाने हैं जब आपको उन पैसों की अगले 3-4 सालों में जरूरत ना पड़ने वाली हो। अगर आपको नेक्स्ट 1-2 सालों में गाड़ी लेनी है या फिर अगले 2 सालों में आपको शादी के लिए पैसा चाहिए, तो ऐसे पैसों की आप FD ही करवा दीजिए, उन्हें स्टॉक मार्केट में डालने की गलती मत करना। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक और पॉइंट ये आता है कि चलो हम अगले 2-3 सालों में हमें किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, तो अब क्या हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें? वेल, उससे भी पहले जो चीज आपको करनी चाहिए वो है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अब इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? जैसे कि इसका नाम ही इमरजेंसी है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। जैसे आप तो सोचकर बैठे थे कि मेरे पास 2 लाख रुपए सेव है, अब इन्हें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब अचानक आपकी जॉब चली गई और या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे? आप ना चाहते हुए भी अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लोगे। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपको एटलीस्ट जितना भी आपका मंथली खर्चा है उसके अकॉर्डिंग 6-12 महीने तक का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना ना पड़े। अब आता है पॉइंट नंबर 3, When to retire। अब आजकल हर कोई बोलता रहता है कि यार मुझे रिटायर होना है, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, ना बॉस के ताने सुनने हैं, मैं तो बस चाहता हूँ कि सारे काम वाम छोड़कर गोवा जाऊँ और वहाँ मैं आराम से बीच पर बैठकर बियर वियर पी सकूँ और लाइफ एंजॉय करूँ। फिर सबसे पहले तो हमें रिटायर की डेफिनेशन समझनी होगी। पहले के टाइम में रिटायरमेंट का मतलब होता था कि 60 की एज के बाद रिटायर होना, देन उसके बाद फ्री बैठे रहना और कोई काम वाम ना करना। वेल, मॉडर्न वर्ल्ड में रिटायर की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। आप कितने दिन गोवा में बीच पर बिना काम करके एंजॉय पाओगे? 1 महीना 2 महीना 6 महीना, लेकिन उसके बाद आप फालतू बैठे बैठे ही पागल हो जाओगे। रिटायरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब ये है कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिसे करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना काम चूज कर सकते हो और जब चाहे उसे कर सकते हो। रोजाना आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे जॉब पर जाना है, अगर नहीं गया तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सोचते होंगे कि अगर मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा तो मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। वेल, ये जरूरी नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप ज्यादा कमाते हो या कम। मान लो आप साल का 1 करोड़ रुपए कमाते हो बट आपका खर्चा ही 1 करोड़ है, तो मतलब आपने अपनी पूरी इनकम को खर्च कर दिया और रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ भी सेव या इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर आप महीने का 20,000 भी कमाते हो बट आप उसमें से 5,000 रुपए भी सेव कर लेते हो, तो इसका मतलब आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते जा रहे हो और वो 1 करोड़ कमाने से भी बेटर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अर्न करते हो, क्योंकि ऐसी ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कमाए तो करोड़ों बट उनके खर्चों की वजह से वो बैंकक्रप्ट हो गए। तो आपका रिटायरमेंट मोस्टली आपकी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। अब चलो चलते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आप किस सिटी में रहते हो। मान लो कि आपको रिटायरमेंट के लिए 1-2 करोड़ रुपए चाहिए, अब उसके लिए आपको अपनी सैलरी का 50% सेव करना होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मान लो कि आपके महीने की सैलरी 30,000 रुपए है। अब ये कैलकुलेशन में मैं आपकी बहुत ही कम सैलरी लेकर चल रहा हूँ। आई नो कि आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आप इससे तो कहीं ज्यादा पैसा कमाते होंगे या फिर फ्यूचर में कमाने वाले हो। स्टिल हम बहुत ही कम सैलरी लेते हैं। अगर आप 30,000 रुपए का 50% सेव करते हो जो कि होता है 15,000 रुपए, आई एम श्योर कि आप मुझसे ये एग्री करोगे कि आप महीने का 15,000 तो बचा ही लोगे या फिर आप अपनी इनकम को बढ़ा लोगे। चलो तो अगर आप 15,000 रुपए बचाते हो और उसे सही ढंग से इन्वेस्ट करते हो लाइक इंडेक्स फंड में, तो आपको 13% रिटर्न मिलेगा। तो अब इस कैलकुलेटर में हम देख सकते हैं कि आपने महीने का 15,000 रुपए 13% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपके पास टोटल पैसा होगा 1.71 करोड़ रुपए। तो अब आप आराम से रिटायर हो सकते हो। अब आप यहाँ पर अपना अमाउंट या टाइम अपने हिसाब से बदल सकते हो। आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आप सेव ज्यादा कर सकते हो या फिर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। अब चलो आपने 1.7 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब आप कहोगे कि अब मैं इनको खर्च करने लग गया तो कभी ना कभी तो पैसा खत्म होने ही वाला है, और इन्फ्लेशन का क्या होगा, वो भी तो बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये पैसे अभी ठीक लग रहे हैं बट क्या
बाद में इतना इनफ रहेगा? पहले इसे समझने के लिए हमें एक रूल को समझना होगा जिसे 4% रूल कहा जाता है। अब हमें पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन 7-8% का रहता है। मान लो कि इन्फ्लेशन 8% से ग्रो हो रहा है तो हमें अपने पैसों को 5% की रियल ग्रोथ से बढ़ाना होगा। अब रियल ग्रोथ क्या होती है इसे देखते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन 8% है और निफ्टी 50 में आपको रिटर्न मिलेगा 13% का, तो रियल ग्रोथ होगी 13-8=5%। यानी कि महंगाई बढ़ती भी जाएगी तो भी आपका पैसा 5% एक्स्ट्रा से ग्रो होता रहेगा। और अगर आपके पास 1.71 करोड़ रुपए हैं, उनमें से आप साल का 4% भी विड्रॉ करते हो और उनसे अपना सारा खर्चा निकाल लेते हो, तो 1.71 करोड़ का 4% होगा 6,84,000 रुपए, यानी कि महीने का 57,000 रुपए। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो आपके टोटल फंड से अगर महीने का 4% भी विड्रॉ करते हो, यानी कि महीने के आप 57,000 रुपए भी खर्च कर देते हो, तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको 5% की रियल ग्रोथ मिल रही है। तो अगर आप 4% भी खर्चा करते जाओगे तो हमेशा 1% आपके पास एक्स्ट्रा ही बचेगा, जिससे कि आपका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर आप 50% हर महीने का सेव करके इन्वेस्ट करते रहते हो तो आप कुछ ही सालों में रिटायर हो सकते हो। उसके बाद आप जो चाहे वैसा काम करो, जब चाहे तब काम करो, तब आपको ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको रिटायर होने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों को देखना है कि आप कहां पर अपने पैसों को खर्च कर रहे हो, और उसके बाद आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी सैलरी का 50% सेव करके उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करके और 4% रूल का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक इसे शेयर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।